गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने घर में सही से होंगे और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए घर में रह के ही अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग आपकी हिंदी का क्लास है आज आप लोग का, और आज हम लोग हिंदी का एक नया लेसन नंबर 5 बिल्ली और शेर पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 21 खोलिए। जी, पेज नंबर 21, लेसन नंबर 5, बिल्ली और शेर। ये कहानी है बिल्ली और शेर की, जिसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आप सब ध्यान दीजिए। बहुत पहले की बात है, तब बिल्ली और शेर में अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। शेर बिल्ली को मौसी कहता था। बहुत समय की बात है कि क्या था, शेर और बिल्ली की बहुत अच्छी दोस्ती थी। शेर बिल्ली को मौसी कहता था। एक बार शेर ने बिल्ली से कहा, मौसी, मुझे लगता है सारे जानवरों में तुम ही सबसे चालाक और बुद्धिमान हो। जितनी चतुराई और सावधानी से तुम अपने शिकार को पकड़ती हो, उसका तो जवाब ही नहीं। तो एक दिन शेर ने क्या कहा कि बिल्ली मौसी, मुझे लगता है कि सभी जानवरों में तुम ही सबसे चालाक और बुद्धिमान हो। जितनी चतुराई और सावधानी से तुम अपने शिकार को पकड़ती हो, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अपनी तारीफ सुनकर बिल्ली मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी सारी बातें बिल्कुल सही हैं, मगर आज अचानक मेरी तारीफ करने का क्या कारण है। ये बात सुनकर बिल्ली बोली कि तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन आज अचानक मेरी तारीफ करने का क्या कारण है। तो वो कहता है, मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को भी तुम ये सारी बातें सिखलाओ, उसे भी अपने जैसा चतुर बना दो। तो शेर ने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को भी तुम ये सारी बातें सिखा दो। बिल्ली ने शेर की बात मान ली और उसने नन्हे शेर को शिक्षा देना आरंभ कर लिया। और उसने क्या किया, शेर की बात मान के उस नन्हे से शेर को शिक्षा देना, पढ़ाना यानी कि शुरू कर दिया। दबे पाँव चलना, अंधेरे में शिकार की टोह लेना, बिना आवाज़ किए शिकार पर झपटना, आदि सारी बातें शेर बिल्ली से सीखने लगा। अब शेर का जो बच्चा था, वो बिल्ली से क्या सीखने लगा कि दबे पाँव बिना आवाज़ से कैसे चला जाएगा, अपने शिकार की राह कैसे देखी जाएगी, बिना आवाज़ से अपने शिकार पे कैसे झपटना है, ये सारी चीज़ें वो बिल्ली से सीखने लगा। कुछ महीने बीत गए। एक दिन बिल्ली ने कहा, बेटा, मुझे जो भी आता था मैंने तुम्हें सब सिखा दिया। तुम भी मेरे जैसे ही चतुर और चालाक बन चुके हो। अब तुम अपने घर जा सकते हो। ठीक है, कुछ महीने हो गए तो बिल्ली ने क्या कहा कि बेटा, अब जो मुझे जो कुछ भी आता था मैंने तुमको सिखा दिया है, और तुम मेरे ही जैसे चतुर और चालाक बन चुके हो, अब तुम अपने घर जा सकते हो। क्या सचमुच मेरी शिक्षा पूरी हो गई है, नन्हे शेर ने पूछा। तो बिल्ली ने गर्दन हाँ में हिला दी। नन्हा शेर मुस्कुराते हुए बोला, फिर तो अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्यों ना तुम्हें खाकर भूख भी मिटा लूं और तुम्हारी दी हुई शिक्षा का उपयोग भी करके देखूं। ठीक है जी, जब बिल्ली ने कहा हाँ तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है और तुम अपने घर चले जाओ, तो नन्हा शेर मुस्कुराते हुए बोला कि अच्छा, तब तो मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्यों ना तुम्हें खाकर ही मैं अपनी भूख मिटा लूं और तुम्हारी शिक्षा का उपयोग भी देख सकूं। नन्हे शेर की बात सुनते ही बिल्ली चौकन्नी हो गई। नन्हा शेर जैसे ही उस पर झपटा, वह फुर्ती से पास लगे पेड़ पर चढ़ गई। शेर ने पेड़ पर चढ़ने की खूब कोशिश की, परंतु चढ़ ना पाया। ठीक है, नन्हा शेर जो था, जैसे ही उसकी तरफ झपटा, वह फुर्ती से पास लगे पेड़ पर चढ़ गई। शेर ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करी, परंतु वह चढ़ नहीं पाया। खिसिया कर बिल्ली से बोला, मौसी, तुमने मुझे पेड़ पर चढ़ना क्यों नहीं सिखाया। और वो गुस्से में आके कहता है कि मौसी, तुमने मुझे पेड़ पे चढ़ना क्यों नहीं सिखाया। बिल्ली हंसकर बोली, मुझे मालूम था तुम ऐसा कुछ करोगे, यह आखिरी दाव मैंने अपनी जान बचाने के लिए बचा रखा था। और उसने क्या कहा कि शेर को कहा कि मुझे मालूम था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, और इसलिए मैंने यह आखिरी दाव अपनी जान बचाने के लिए बचा रखा था। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो और कभी मेरे सामने मत आना, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म हुआ। और इस तरह से बिल्ली ने गुस्से में क्या कहा, अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ और कभी मेरे सामने मत आना, आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हुआ। नन्हा शेर अपनी मूर्खता पर पछताता हुआ जंगल की ओर चल पड़ा, और उसी दिन से बिल्ली और शेर की दोस्ती टूट गई।
तो बच्चों ये आपकी कहानी थी बिल्ली और शेर, जिससे हमको क्या पता चलता है कि हमको कभी भी अपने दोस्तों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके साथ मिलजुल कर और ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका लेसन था, इसको आप घर में एक बार फिर से रीड करिएगा और इसी के साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बार बार हाथ धोते रहिए और पढ़ाई करिए।